हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का टीम परीक्षा प्लस के अपने आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपके जो है 28 जनवरी के लिए करेंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, कि 28 जनवरी की आपकी प्रमुख वो खबरें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उन खबरों को लेकर मैं बात करूँगा यहाँ पर। टॉप 15 क्वेश्चंस डेली के तौर पर मैं लेकर आता हूँ। इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कि आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाएं। 28 जनवरी की ये पूरी आपकी जो एक तरीके से करेंट के क्वेश्चंस हैं, इनको इस बेस पर बनाया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके पूछा जा रहा है, जैसा कि यूपीपीसीएस पूछ रहा, यूपीएससी पूछ रहा। ठीक है, तमाम जानकारियां इसमें इंक्लूड की कर दी गई हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तो आप स्वयं देखेंगे कि हाँ, हर एक पॉइंट को अच्छे से विधिवत उसको जो है समावेश किया गया है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, और अपने साथ ही साथ जो है इसमें करना क्या है कि आपको कमेंट जरूर करना है। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, 10 सेकंड के बाद आपको उस 10 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, जिस भी फॉर्म में आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आंसर जरूर जब आप कमेंट करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते रहते हैं। तो शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों, पूरी तरीके से आप जुड़ जाएं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से है कि भारत के राष्ट्रपति ने, ठीक है, द्वारा दक्षिणी नौसेना कमान के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई। ठीक है, ए विकल्प कह रहा है 6, बी बोल रहा है 5, सी बोल रहा है 4, डी विकल्प आपसे बोल रहा है 3। अब आप इसका जो है जवाब कमेंट करें, 10 सेकेंड आपके पास हैं। इसके सही जवाब की बात करें अगर, तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी में जो 4 दिया था, ये आपका एकदम राइट है, क्योंकि दक्षिणी नौसेना कमान के 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। पद प्राप्त, ये जो पदक प्राप्त कर रहे हैं उनमें कौन कौन है, वाइस एडमिरल AK चावला, रियर एडमिरल जो दक्षिण आपके कमान के हैं, तथा शोभंती, ठीक है, इंडियन नेवल अकादमी के डिप्टी कमांडेंट जिनका नाम है तरुण शोभ जो है सोपती, वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन के चीफ कंट्रोलर जिनका नाम है अजीत वी कुमार, और एनारकुलम में NCC के ग्रुप कमांडर कमांडोर RR अय्यर शामिल है। ठीक है, 4 अधिकारी हैं, ये थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी बनता है, तो इसको दिमाग में बनाए रखें। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर, 2 नंबर आपसे कह रहा है कि तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत या अमेरिका। अब आप अपना जवाब कमेंट करें। फटाफट आंसर अपना कमेंट करते रहिए। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो जो आपका तीसरा अभी आलू सम्मेलन होने जा रहा है, तीसरा आलू सम्मेलन आपका भारत में होने जा रहा है, ठीक है, 28 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर भारत में, गुजरात राज्य के गांधीनगर में आयोजन हो रहा है, भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर में आयोजन होना है। दूसरी चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्पादन से संबंधित है, वो ये है कि 1 दशक यानी 10 सालों से अगर देखा जाए तो गुजरात जो स्टेट है आपका, भारत का आलू उत्पादक अग्रणी राज्य है, यानी सबसे पहले स्थान पर आलू उत्पादन में इस समय गुजरात है। ठीक, इसीलिए यह सम्मेलन गुजरात में खासकर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, इस कार्यक्रम में 3 हिस्से हैं, पहला तो आलू सम्मेलन, दूसरा कृषि निर्यात, और तीसरा है आलू की खेती का दिन। ठीक है, इसका आयोजन कहां हो रहा है, 28 से 30 जनवरी तक होगा। ठीक, कहां पर, गुजरात राज्य के गांधीनगर में। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आलू उत्पादन इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं, एक तो यह बन रहा कि आलू के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है भारत में, दूसरा ये कि यह जो है तीसरा सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में GEM के संगठन जिसका नाम संबंधी परिवर्तन समूह GOTT बोलते हैं, परियोजना प्रबंधन इकाई PMU स्थापित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सरकारी ई मार्केट प्लेस जिसका नाम GEM बोलते हैं और प्रदेश सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है, वो राज्य कौन सा है, केरला है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। अब सही जवाब आप कमेंट करें, 10 सेकेंड आपके पास है, तेजी से कमेंट करिए। आप वीडियो जिस भी फॉर्म में देख रहे हैं, बोल सकते हैं तो बोलते रहिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए इसके सही प्रश्न का हम अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया है कि GEM के संगठन
संबंधी जो परिवर्तन समूह है जिसको GOTT, ठीक, इसने क्या किया है, प्रबंधन परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना, ये चीज जरूर दिमाग में रखना है। उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी से ये करंट है आपका, ठीक है, तो ये थोड़ा सा UPPCS के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, या उत्तर प्रदेश से जो संबंधित परीक्षाएं होंगी उनके लिए बनता है, ठीक है। तो समझ गए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर आपसे यह कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या 28 जनवरी। अब इसका आप सही जवाब कमेंट करें, 10 सेकेंड आपके पास है, चलिए तेजी से जवाब देने की कोशिश करिए, दिमाग में आपके बना रहेगा, हर दिन की ये खबरें होती हैं। इसके सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आपका विकल्प होगा, विकल्प सी आप चुन रहे हैं, एकदम सही है, 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगली चीज, इसका आयोजन कौन करता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ ले कि इस दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इस दिवस का आयोजन स्वयं विश्व सीमा शुल्क संगठन करता है, ठीक है। उसी दिन इसका गठन हुआ था, किस दिन, 26 जनवरी 1953 को। अब एक सवाल यहां से दूसरा अगर फॉर्म करें तो आपसे यह पूछ सकता है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क जो है संगठन का गठन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1953 को इसका गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में सरकार यानी केंद्र सरकार ने किस विमानन कंपनी की 100% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी, एयर इंडिया, इंडिगो, किंगफिशर या विस्तारा। इन चारों में से सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट करें। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एयर इंडिया, ठीक है, कि 100% हिस्सेदारी को बेचने की घोषणा की है। इसके लिए क्या किया है, अभी बोली लगाने के लिए, ठीक है, रणनीतिक विनिवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो होना है उसके लिए प्रारंभिक बोली के लिए एक मसौदा जारी किया है, ठीक है। इसमें किया क्या जाएगा, एयर इंडिया जो आपकी एयरलाइन है, ठीक है, इसमें 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट अपना बेचेगी, और इसका जो एक मिला जुला संयुक्त उपक्रम है जिसका नाम AIS ATS है, इसमें भी 50% शेयर होल्डिंग को भी बेच देगा उसका। इसके लिए जो भी कंपनी अब इसको खरीदेगी पूरा का पूरा प्रबंध नियंत्रण यानी मैनेजमेंट उस कंपनी को जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि केंद्र और असम सरकार के बीच अभी बोडो समुदाय के आर्थिक विकास के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,500 करोड़ या विकल्प डी आपका 2,000 करोड़। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करें, 10 सेकेंड आपके पास हैं, ठीक है। बोडो समुदाय के बीच और जो है असम केंद्र सरकार के बीच में सभी के बीच में एक समझौता हुआ है, चलिए सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब इसका जो आपका होगा 1,500 करोड़, यानी विकल्प सी को अगर आप चुन रहे हैं तो एकदम सही है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडोलैंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में ND आपका ये भी बोलते हैं, इसके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है। इस समझौते में किया क्या गया है कि केंद्र सरकार और साथ ही साथ असम सरकार, ये दोनों सरकारें बोडो समुदाय के आर्थिक विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देंगी, ठीक है। इससे पहले भी बोडो समुदाय, अब ये आपके हिस्ट्री से भी प्रश्न बन सकता है, पॉलिटी से भी बन सकता है, क्या कि इससे पहले बोडो समुदाय के साथ 1993 में और 2003 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है, जिसके तहत एक बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था और साथ ही साथ बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया था। अब जो है फिर से एक बार तीसरी बार समझौता हुआ है केंद्र सरकार, असम सरकार के बीच और बोडो समुदाय को लेकर के। अगला प्रश्न 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर। 7 नंबर आपसे पूछा है केंद्रीय आंचलिक परिषद की 22वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी, पंजाब, हरियाणा, झारखंड या छत्तीसगढ़। इनमें से सही जवाब क्या हो सकता है, तेजी से कमेंट करें, ठीक है, ये डेली बेसिस के करंट है तो आप लोग हर दिन देखते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जरूरी होता है कि आप हर प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट करें। सही जवाब इसका देखते हैं, जो आपकी केंद्रीय आंचलिक परिषद है इसकी 22वीं बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में हुआ, ठीक है, 28 जनवरी को, यानी जब आप करंट देख रहे हैं 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन होना है। दूसरी सबसे जरूरी चीज, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब इस प्रश्न को आपसे अगर घुमा के पूछना चाहे, पॉलिटी में संदर्भित करना चाहे, तो आपसे क्या पूछेगा कि केंद्रीय आंचलिक परिषद की बैठक की जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो देश का गृह मंत्री होता है, ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया है पॉलिटी में, तो
देश का जो गृहमंत्री होता है, ये सभी पांच आंचलिक परिषदों का अध्यक्ष होता है हमेशा, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये बोल रहा कि जम्मू कश्मीर में अप्रैल में एक जो है आयोजित होने वाला पहले वैश्विक सम्मेलन की थीम क्या है। अभी जम्मू कश्मीर में आयोजन होना है। ए विकल्प बोल रहा है नया राज्य नई संभावनाएं, बी बोल रहा तलाश करो निवेश करो और समृद्ध हो, सी विकल्प आपसे बोल रहा देश विकास में कश्मीर योगदान, डी बोल रहा नया प्रदेश नया उद्देश्य। चलिए अब आप अपने जवाब कमेंट करिए, 10 सेकेंड आपके पास हैं, तेजी से जवाब कमेंट करने की कोशिश करें। गलत हो रहे सही इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। सही जवाब इसका आपका देखते हैं, सही जवाब इसमें विकल्प बी को ध्यान दीजिए, जो जम्मू कश्मीर में अप्रैल में एक इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही, एक इन्वेस्टमेंट जो है आपका सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी जो थीम रखी गई है, विषय जो रखा गया है, यह है तलाश करो निवेश करो समृद्ध हो। ठीक है, खासकर आयोजन कब होना है, अप्रैल में। तो दूसरा टाइप का प्रश्न आपसे यह बनेगा कि जम्मू कश्मीर में होने वाली पहली वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कब होगा, अप्रैल में होगा, इसका उद्देश्य क्या है, तलाश करो निवेश करो और समृद्ध हो, इसकी थीम है। ठीक, और एम क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि चूंकि अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन चुका है, तो इसके विभिन्न क्षेत्रों में जितने भी निवेश हो सकता है, जो अलग अलग सेक्टर हैं जम्मू कश्मीर के, तो वहां पर कितना निवेश किया जा सकता है, इनके बारे में पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, उनको जानकारी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर। 9 नंबर आपसे बोला कि श्रीलंका सरकार के कितने नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प ए बोल रहा 5, बी बोल रहा 3, सी विकल्प बोल रहा 2, डी बोल रहा आपका 1। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ठीक है, अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण। चलिए भाई, इसका सही जवाब अब हम देखते हैं। सही जवाब अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने श्रीलंका के 2 नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, वो नागरिक कौन है? डॉक्टर वजीरा चित्रा सेन और दूसरे हैं स्वर्गीय प्रोफेसर इंदिरा दास नाइके। इन दोनों को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। अगर इनके हम कार्यकाल जो है क्रियाकलाप को देखें, तो श्रीलंका में जो 87 वर्षीय नृतांगना है, जिनका नाम डॉक्टर वजीरा चित्रा सेन है, ठीक है, इनको लीजेंड की उपाधि मिली है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि भारत और श्रीलंका संबंधों को नृत्य के माध्यम से बढ़ावा दिया है। दूसरी चीज, अगर हम प्रोफेसर इंदिरा दास नाइके के बारे में बात करें, तो इन्होंने श्रीलंका के जितने शिक्षण संस्थान हैं उनमें हिंदी भाषा को शुरू करने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है, इसीलिए वर्तमान में अगर देखा जाए श्रीलंका के 6 प्रमुख जो विश्वविद्यालय हैं, इसके अलावा श्रीलंका के 80 से अधिक संस्थानों में और स्कूलों में हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 10 नंबर आपसे बोल रहा है कि नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई, या कितने जिलों से होकर गुजरेगी। ए बोल रहा है 25, बी बोल रहा है आपका 35, सी विकल्प 28 और डी बोल रहा है 27। सही जवाब इसका क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट के एग्जाम में यह, मतलब किसी भी एग्जाम में जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, उसके लिए यह प्रश्न आपका बहुत जरूरी है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो सही जवाब आपको ध्यान रखना है कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 5 गंगा दिवसीय यात्रा शुरू की है, यह अगर जिलों की बात किया जाए तो ये टोटल 27 जिलों से होकर गुजरेगी। 27 जिले, इसकी शुरुआत को भी प्रश्न पूछ सकता कि इसकी जो है शुरुआत किसने की, तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2 जगहों से हुई। एक तो आपकी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया जिले से इसको हरी झंडी देकर शुभारंभ किया, वहीं उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ जो त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बिजनौर से इस यात्रा का शुभारंभ किया। तो 2 जगहों से, बलिया और दूसरा आपका बिजनौर। ठीक है, ये 27 जिलों से होकर गुजरेगी और 1350 किलोमीटर, 1350 किलोमीटर ये यात्रा ये पूरी कवर करेगी। समापन 31 जनवरी को होना है। ठीक है, तो 3 से 4 चीजें याद रखनी है। अब बिहार के भी इसमें मुख्यमंत्री शामिल थे, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद गंगा अपनी बिहार पहुंच जाती है, इसलिए बिहार के भी जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी जी, ये भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन यात्रा की शुरुआत की है? ठीक है, जैसे अम्मा कैंटीन से प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताएं गुजरात वो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, या महाराष्ट्र है, या उत्तर प्रदेश राज्य है। सही जवाब आपका क्या हो सकता है?
आपके पास 10 सेकंड है, तेजी से कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। कमेंट नहीं करना चाह रहे तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, इससे प्रश्न आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, ठीक है। सही जवाब इसका देखते हैं, सही जवाब इसका जो विकल्प होगा, जिन्होंने सी विकल्प को चुना है या जो लोग सोच रहे एकदम सही हैं, शिव भोजन यात्रा के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जो है अभी हाल में इसकी शुरुआत की, किस दिन, 71वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2020 को शिव भोजन यात्रा लॉन्च की है। ये पायलट अभी प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है, ठीक है, और इसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में निर्धारित जगहों पर या कैंटीनों पर निर्धारित समय में कितने 10 रुपये में सारे गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 रुपये में, ठीक है। 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 12 नंबर आपके गणतंत्र दिवस से रिलेटेड है। भारत पर्व का आयोजन किया जाता है 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या 14 नवंबर को, सही जवाब इसका क्या हो सकता है। चलिए 10 सेकंड आपके पास हैं। भारत पर्व बहुत धूमधाम पूर्वक सम्मेलन होता है, पूरा आयोजन होता है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब अगर देखते हैं तो सही जवाब इसमें भारत पर्व जो मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक, और इसका आयोजन गणतंत्र जो आपका दिवस होता है उसी समारोह के दौरान किया जाता है, दिल्ली के लाल किले में इसका आयोजन होता है, ठीक है। 5 दिनों का आयोजन चलता है, 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये चलता रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी भारत पर्व का उद्देश्य होता है कि भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थानों की यात्रा करने तथा देखो अपना देश की भावना का संचार करने हेतु प्रोत्साहित किया, इसमें जितने विदेशी मेहमान भी होते हैं या विदेशों से जो लोग आपके इसको देखने आते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को, वो सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त हुए हैं, भाई कौन, संजय कुमार सिंह, नीलम सम्मी राव, बी एल कांता राव, बी आनंद। इसके सही जवाब के रूप में आप जो विकल्प चयन कर रहे हैं उसका कमेंट करें, 10 सेकंड आपके पास है, तेजी से कमेंट करिए जो भी इसका जवाब हो सकता है। चलिए अगर इस प्रश्न का सही जवाब देखें 13 नंबर प्रश्न का, तो 13 नंबर प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो सचिव हैं ये बी आनंद है, ठीक है, विकल्प डी आपका सही है। केंद्र सरकार ने किया क्या है, हाल ही में जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं यानी इस समय सचिव के तौर पर कार्य थे, इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। ये बी आनंद 1987 के IAS तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं, ठीक है। आपको एक चीज और जानना है, ठीक है, ये जो आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है एक सांविधिक निकाय है, ठीक, सबसे जरूरी तो ये है आपके लिए, इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसका कार्यकाल भी बढ़ाया है, उस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। 2 करंट यहां से बन गया, तीसरा आपका पॉलिटी का प्रश्न यहां से बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 क्वेश्चन से 3 प्रश्न यहां बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। भारत सरकार ने रेलवे के 100% यानी 100% रेलवे के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य उठाया है, वो लक्ष्य क्या है भाई, किस साल तक, 2022, 2023, 2024 या 2025, सही जवाब इनमें से क्या है उसको विकल्प के माध्यम से आप चुनिए और तेजी से कमेंट करिए, जहां बैठे हैं वहां मुंह से ही बोलते रहिए, ठीक है, लेकिन बोलते जरूर रहो क्योंकि लेक्चर देख रहे हैं तो जागते रहना है ना। चलिए भाई इसका सही जवाब देखते हैं, भारतीय सरकार ने भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा है ये 2024 तक रखा है, और आपको ध्यान है पीयूष मंत्री इस समय इसके जो है सब कुछ करता धरता केंद्रीय मंत्री हैं। 2024 तक भारतीय रेलवे 100% विद्युतीकरण इसका हो जाएगा, ठीक है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत ये जो रेलवे होगा अगर यह लक्ष्य हासिल हो गया, ठीक, तो प्रथम रेलवे यह बन जाएगा जो 100% आपका विद्युत से चलने वाला होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है। तो यहां से 2 प्रश्न हो गए, 3, एक तो आपका 2024 तक, दूसरी चीज ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा रेलवे होगा, तीसरी चीज शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण में कब तक भारतीय रेलवे का मिशन है, तो 2003। 3 प्रश्न यहां से बनते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर, विधान परिषद को समाप्त करने के लिए हाल ही में मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन चारों में से कौन सा है। करेंट का प्रश्न है, पॉलिटी में जरूर आएगा इसलिए जरूर इसको ध्यान रखें, तेजी से कमेंट करें, ठीक है, कि विधान परिषद को आखिर समाप्त करने की नौबत कहां पर किस सरकार ने उठाया, सही जवाब देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका, यह सही जवाब आपका इसमें जो विकल्प के तौर पर होगा, ठीक।
अभी आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने क्या मंजूरी दिया है कि विधान परिषद को वहां जो मौजूद है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जैसे अभी आपसे सवाल एक लगातार पूछता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो ये प्रश्न आपका पॉलिटी का है ही। अब अभी तक जितना था उसमें से एक कम होने जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 169 में ध्यान रखना है कि विधान परिषद को परिभाषित किया गया है, तो इसमें ये करेंट का प्रश्न है और दो प्रश्न यहां से पॉलिटी के बनते हैं। अगली चीज, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे ऐप परीक्षा प्लस पर लगा दी गई है। ठीक है, आप परीक्षा प्लस ऐप अगर नहीं डाउनलोड किए हैं गूगल प्ले स्टोर में जाएं, ठीक है, वहां से ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, साथ ही साथ अभी यूपीपीसीएस के डेमो के टेस्ट जो वहां पर दिए हैं फ्री उसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं शाम को 8 PM पर आपके डेली लाइफ के क्लासेस के तौर पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए विदा लेता हूं। धन्यवाद।